हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्टैक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये स्टैक से नहीं है बल्कि लिस्ट से है। अभी जब मैं इसको एंटर करता हूं तो आप समझिएगा, और ये स्टैक से भी है, दोनों से है, क्योंकि लिस्ट के अंदर ही हम ये स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां सबसे पहले पाइथन की आइडियली ओपन करता हूं। आइडियली का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, तो इसे ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये जनरली इसी पर करता हूं क्योंकि ज्यादातर जगहों पर यही अवेलेबल है और इसी पर वर्क ज्यादा किया जाता है, ठीक है। खासतौर पर बिगिनर्स इसी पे वर्क करते हैं। तो यहां पर ये पाइथन ओपन कर लिया है। अब यहां पर करना क्या है हमें, यहां पर एक स्टैक बनाना है, ठीक है। अब स्टैक कैसे बनेगा, देखिए मैं यहां पर माई स्टैक नाम से एक लिस्ट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, स्टैक, ठीक है। और माई स्टैक के नाम से एक लिस्ट बना रहा हूं और इस लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज डाल देता हूं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ वैल्यूज हम डाल देते हैं, 5 तक ही रखते हैं। एंटर करते हैं, नीचे आते हैं। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर एक बना लेता हूं टॉप एलिमेंट नाम से, टॉप एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया टॉप एलिमेंट, और जैसे ही टॉप एलिमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्या इसमें हम देंगे, तो देखिए टॉप एलिमेंट के अंदर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो माई स्टैक बनाया मैंने, माई अंडरस्कोर स्टैक जो बनाया है, देख सकते हैं इसको, माई अंडरस्कोर स्टैक से माइनस वन करूंगा, इंडेक्सिंग माइनस वन, ठीक है। तो यहां पर अगर माइनस वन मैं कर देता हूं तो टॉप एलिमेंट क्या आएगा हमारा, ठीक है। सवाल यही है, इसका जवाब आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हालांकि मैं जवाब तो बताऊंगा ही आपको। तो देखिए यहां पर प्रिंट करवाएंगे हम, तो क्या प्रिंट करवाएंगे, टॉप एलिमेंट, ठीक है। ये लिखा टॉप अंडरस्कोर एलिमेंट, ALEMENT, तो ये लिख दिया टॉप एलिमेंट। और टॉप एलिमेंट लिखने के बाद यहां पर हमें टॉप एलिमेंट को ही कराना है प्रिंट, ठीक है। तो टॉप एलिमेंट को किस तरीके से प्रिंट कराया जाए, तो बस टॉप एलिमेंट को प्रिंट ही करा रहा हूं। देखिए ये लिख दिया है, अब ये ऑटोमेटिक प्रिंट होगा, ठीक है। और ये प्रिंट होगा तो इसमें क्या चीज शो होगा, तो पहले F5 करता हूं, एंटर करता हूं और यहां पर इसको किसी भी नाम से सेव कर देता हूं, .py लगा सकते हैं आप, ठीक है। नीचे तो पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन आ ही रही है, तो यहां पर देख सकते हैं 5 आ रहा है, ठीक है। अब ये 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर माइनस वन किया गया है, ये देख सकते हैं ना। अगर मैं यहां पर माइनस टू कर देता हूं तब क्या होगा, तो यहां पर अगर इसको रन कराते तो देखिए जरा माइनस वन पे 5 है तो माइनस टू पे क्या होगा, 4 आना चाहिए। तो यहां पर इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं माइनस टू पे 4 आ रहा है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से बात करें माइनस थ्री पर, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस थ्री पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाली इंडेक्सिंग राइट साइड से स्टार्ट होती है, ठीक है, और प्लस वाली इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर 0 कर दिया मैंने, तो 0 पोजिशन पे क्या है, 0 पोजिशन पे 1 है, तो ये तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। तो यहां से 5 करते हैं, एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पे 1 आ रहा है, क्योंकि 0 नंबर पे तो 1 ही है ना, देखिए यहां पर, ठीक है। लेकिन यही चीज मैंने अभी -4 किया था या -3 किया था या -2 किया, तो देखिए ये क्या हुआ, ये 0, 1, 2, 3, 4। अब यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये -4, ठीक है। देखिए यहां पे -4 लिखता हूं, तो एंटर किया तो यहां पर देख सकते हैं, तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए यहां पर -4 लिखा है, तो -4 लिखने का मतलब क्या हुआ, -4 लिखने का मतलब ये हो गया आपका -1, ये -2, -3 और ये -4। -4 का मतलब क्या हुआ, 2 हुआ, तो यहाँ पर 2 ही प्रिंट होगा। तो देखिए F5 किया, एंटर किया, तो यहाँ पर 2 ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कर रहा है आपको, ठीक है। और जब भी इस तरह के सवाल आए तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।